फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, होमोनियम्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो बच्चों, कल आपने एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स पढ़ा। ज़्यादातर बच्चों ने मुझे उसको होमवर्क करके नहीं भेजा है। बच्चों, उसको अपने होमवर्क करिए और अपनी फेयर कॉपी में उसको नोट डाउन करिए। आज हम पढ़ेंगे बच्चों होमोनियम्स, जिसको होमोफोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? और होमोफोन्स, होमोफोन्स क्या होते हैं बच्चों? ये देखिए इसकी डेफिनेशन होमोनियम्स की। वर्ड्स सिमिलर इन साउंड, ऐसे वर्ड्स जो कि बोलने में तो सेम लगते हैं और प्रोनंसिएशन, मतलब प्रोनंशिएट करते हैं जब हम बोलते हैं तो एक जैसे लगते हैं वो प्रोनंशिएट में, बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, आर कॉल्ड होमोनियम्स। उन्हीं को हम होमोनियम्स बोलते हैं। ऐसे शब्द जो कि बोलने में तो एक जैसे लगे लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं हम, एंड, ठीक है, इसको हमने एंड बोला। और अगर मैं लिखूं ई एन डी, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? एंड बोलूंगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों, ये दोनों क्या है? ऐसे वर्ड्स जिनकी जो प्रोनंसिएशन है वो तो बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनके जो मीनिंग है वो अलग अलग है। क्या मतलब होता है एंड का बच्चों? और एंड का क्या मतलब होता है बच्चों? अंत, यानी कि लास्ट, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं और को अगर हम यूज करेंगे तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इसका एक सेंटेंस देखते हैं। रमन और सोहम, तो रमन एंड सोहम, रमन एंड सोहम प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों एंड का एग्जांपल यूज। इसी तरीके से एंड का यूज देखते हैं बच्चों अंत, यानी कि द टेल इज टू बी एंड, कहानी खत्म होने वाली है, ठीक है ना। तो द टेल इज टू बी एंड, तो एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? खत्म होने वाला या फिर अंत होने वाला हो, और एंड का मतलब होता है बच्चों और। तो आप समझे बच्चों कि होमोफोन्स और होमोनियम्स किसको कहते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनंसिएशन या फिर उनके साउंड जो होता है बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, बोलने में सिमिलर इन साउंड और प्रोनंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों प्रिंसिपल, ठीक है ना, दो टाइप्स के प्रिंसिपल्स बताए थे मैंने आपको। एक तो होता है प्रिंसिपल, पिपल भी बोल देते हैं, पी एल ई, और एक होता है प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसका मतलब प्रधानाचार्य, इसका मतलब रूल यानी नियम, ठीक है ना। जो भी आपके स्कूल के हेडमास्टर होते हैं उनको तो बोलते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल यानी कोई रूल, कोई लॉ, कोई नियम, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, सिमिलर प्रोनंसिएशन होती है, ऐसे हम वर्ड्स काफी सारे पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, कॉपी में से पढ़ते हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों कुछ होमोफोन्स यानी कि होमोनियम्स, ठीक है बच्चों। सबसे पहला है बैड। बैड की एक तो ये स्पेलिंग होगी बी ए डी और एक बी ई डी, ये टू टाइप्स ऑफ होमोनियम से। देखिए बच्चों, दोनों वर्ड्स की प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम साउंड निकल रहा है बैड, लेकिन इस बैड का मतलब है नॉट गुड, यानी कि बुरा। ले और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या होगा? ही इज़ अ बैड बॉय, वो एक बुरा लड़का है, अच्छा लड़का नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ बुरा। और इस बैड का मतलब होता है बच्चों बिस्तर, यानी कि स्लीपिंग प्लेस। मतलब क्या, अगर मैं अपना ही एग्जांपल लेके चलूँ, आई गो टू बैड एट 11 PM, मैं खुद बिस्तर पे जाता हूँ 11 बजे रात में। तो इस तरीके से इसका यूज़ है, समझे बच्चों, बेड और बेड में अंतर। इसी तरीके से एट, ए टी ई और ई आई जी एच टी, इन दोनों की प्रोनंसिएशन क्या है बच्चों? एट, लेकिन इस वाले एट का मतलब क्या है? पास्ट टेंस ऑफ ईट, यानी कि ईट मतलब खाना, खाना को अगर हम पास्ट टेंस में देखें, अगर मैं कर चुका हूँ मतलब कर चुका था, तो उसमें आता है बच्चों ये एट, यानी पास्ट टेंस में आता है जो बीत चुका है, उसका मतलब होता है खाया। जैसे कि ही एट टू टेबल, टू एप्पल्स आएगा बच्चों इसके अंदर, है ना, ही एट टू टेबल्स लिख दिया यहाँ पे, आप एप्पल्स करेंगे, क्या करेंगे? एप्पल्स, ओके, एप्पल्स करेंगे आप इसको, ही एट टू एप्पल्स आएगा यहाँ पे, ओके। तो ही एट टू एप्पल्स, उसने दो एप्पल खाए। तो इस तरीके से एट का मतलब तो यहाँ पे खाना हुआ। और इस एट का क्या मतलब हुआ बच्चों? इट इज़ ए नंबर। एट का क्या है? एक नंबर ही तो है जो कि सेवन के बाद आता है, आफ्टर सेवन। तो आई हैव एट पेंस, मेरे पास सेवन, मेरे पास एट पेंस हैं,
यहाँ पे इसका ये यूज हुआ। इसी तरीके से देखिए बाई, बाई यानी एग्जिस्टेंस, जब हम बताते हैं कि किसके द्वारा कोई काम किया गया, मतलब द्वारा, ठीक है। और इसका मतलब, इसको भी हम क्या बोलते हैं, बाई, बी यू वाई को भी बाई बोलते हैं, बी वाई को भी बाई बोलते हैं। इस बाई का मतलब होता है बच्चों परचेस, यानी कि खरीदना। तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, ए स्नेक वॉज किल्ड बाय राम, एक स्नेक किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया। तो बाई यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है, द्वारा में आया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बी यू वाई का यूज़ देखें तो इसका मतलब होता है खरीदना, आई वॉन्ट टू बाई ए कार, मैं कार खरीदना चाहता हूँ। तो इसका मतलब बाई का मतलब तो यहाँ पे हुआ द्वारा, और यहाँ पे मतलब हुआ खरीदना। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला, न्यू, न्यू इसका मतलब भी न्यू, इसको भी हम प्रोनंसिएशन में न्यू बोलते हैं, प्रोनंसिएशन में बच्चों प्रोनंसिएट करते हैं तो न्यू बोलते हैं, और इसको भी हम न्यू बोलते हैं। लेकिन इस वाले न्यू का क्या मतलब है बच्चों, ये नो का पास्ट फॉर्म है, यानी कि जब हम कहते हैं ना कि मैं जानता हूँ ये चीज़, तो जानने को क्या बोलते हैं बच्चों, नो। और नो का पास्ट फॉर्म यानी कि इसका जो पास्ट टेंस है वो न्यू होता है, जैसे कि ही न्यू मी वेल, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है, ठीक है ना। और इस न्यू का क्या मतलब होता है बच्चों, नॉट ओल्ड, यानी कि पुराना नहीं, नया। She has bought a new doll. उसने एक नई डॉल खरीदी। तो देखते हैं बच्चों, देख रहे हैं आप बच्चों, यहाँ पे इसको भी न्यू बोलते हैं, इसको भी न्यू बोलते हैं। इसमें बच्चों के जो होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है ना। और देखिए इसी तरीके से फॉर, फॉर यानी इसके भी तीन होते हैं बच्चों, तीन होमोफोन्स देखें यहाँ पे, फॉर इसको भी बोलते हैं फॉर, इसको भी बोलते हैं फॉर, और इसको भी बोलते हैं फॉर। लेकिन जो ये फॉर होता है वो किसके लिए यूज़ होता है बच्चों, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ के लिए, यानी के लिए। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए कोई चीज़ या फिर आपके लिए कोई चीज़, तो लिए ये किस लिए यूज़ होता है बच्चों, फॉर, ठीक है ना। इट इज़ इनफ फॉर मी, जैसे कि एग्जांपल देखिए, इट इज़ इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी है। ये क्या है बच्चों, इनफ, ई एन ओ यू जी एच, ओके, ये मेरे लिए इनफ है। तो फॉर किसके लिए यूज़ हुआ बच्चों, यहाँ पे ली के लिए। और यहाँ पे जो फॉर है देखिए, एफ ओ आर, इसका मतलब होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ। जब मैं कहूँ कि मेरी गाड़ी के सामने कोई भी चोट नहीं आई, मेरी गाड़ी को सपोज़ मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है, मेरे कोई गिर गई गाड़ी, तो मेरी गाड़ी के आगे कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा, देयर इज़ नो डैमेज इन द फोर पार्ट ऑफ द बाइक, यानी कि बाइक के आगे वाले हिस्से में। फोर पार्ट यानी आगे वाला हिस्सा, फोर पार्ट यानी आगे वाला हिस्सा, उसमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे फोर का मतलब क्या होता है बच्चों, सामने की चीज़, यानी आगे वाली चीज़ कोई। इसके बाद देखिए फोर, ये वाले फोर का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो कि नंबर है जो कि तीन के बाद आता है, आफ्टर थ्री। शी हैज़ फोर बॉल्स, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखें तो क्या आएगा, शी हैज़ फोर डॉल्स, उसके पास चार डॉल हैं। इस तरीके से इसका यूज़ हुआ। तो आपने देखा फॉर कितनी तरीके से बोला जा सकता है, एक तो एफ ओ आर में भी फॉर बोलते हैं, एफ ओ आर ई में भी फॉर बोलते हैं, और फोर में भी एफ ओ यू आर होता है। इस तरीके से देखिए बच्चों सिक्स्थ एग्जांपल, होल, इस होल का मतलब होता है बच्चों छेद यानी गड्ढा कोई, ए ब्यूरो, और इसका मतलब होता है बच्चों होल यानी कंप्लीट यानी संपूर्ण, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, होल यानी गड्ढा। ए सर्पेंट लिव्स इन अ होल, सर्पेंट क्या होता है बच्चों, सांप, सर्पेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सांप। तो सांप किस में रहता है, गड्ढे में रहता है। ही एट होल ऑफ द ब्रेकफास्ट, उसने पूरा नाश्ता कर लिया, खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे होल का मतलब क्या है, पूरा संपूर्ण। सेवेंथ देखिए बच्चों, एक्सप्रेसिंग इन, इनका मतलब होता है बच्चों में, यानी एक्सप्रेसिंग इंक्लूजन, जब हम बोलते हैं कि मैं उस चीज़ में हूँ या फिर वो उस चीज़ में है, तो एक्सप्रेसिंग इंक्लूजन, जब हम इंक्लूजन बताते हैं वो किस में है, तो उसके लिए बच्चों यूज़ होता है इन। और एक होता है बच्चों आई डबल एन, यानी कि इन, इन यानी होता है बच्चों होटल, ठीक है ना। इस वाले इनका, ऊपर वाले इनका मतलब देखिए, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ही इज़ इन द रूम, वो रूम में है, ठीक है ना। और इनका, इस वाले इनका क्या मतलब, होटल। तो इसको भी हम एक एग्जांपल समझते हैं, दिस इज़ ए वेल मेंटेन्ड इन, ये एक वेल मतलब अच्छा खासा होटल है। यहाँ पे इनका क्या मतलब है बच्चों, होटल। और यहाँ पे इनका क्या मतलब होता है बच्चों, मे, समझे आप। सेवन हो गए, एट्थ देखिए बच्चों, मेल, इस वाले का भी, एम ए एल ई को भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेल, और एम ए आई एल को भी क्या बोलते हैं बच्चों, मेल। लेकिन यहाँ पे जो मेल है इसका मतलब है अपोजिट टू फीमेल, यानी कि पुरुष। इस वाले मेल का क्या मतलब है बच्चों, पुरुष, जैसे कि ही इज़ ए मेल कैंडिडेट, वो एक मेल कैंडिडेट है। जैसे कि हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हम क्या किस में, जैसे मैं हूँ, मैं किस में गिनने जाऊँगा, मेल कैंडिडेट में। कोई लड़की होगी या फिर कोई औरत होगी, वुमेन होगी, वो किस में गिनी जाएगी बच्चों, फीमेल कैंडिडेट में। इस तरीके से इसका मतलब होता है मेल। और यहाँ पे देखिए मेल,
इसका मतलब होता है डाक, यानी कि पोस्ट। जैसे कहते हैं ना, मैंने आपको वो मेल किया था, आपको वो चीज मिली नहीं मिली, इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिखा है, हैव यू रिसीव्ड माय मेल, मैंने आपको जो मेल किया था उसको आपने रिसीव किया, आपको वो मिला, रिसीव यानी मिलना या फिर लेना, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब होता है बच्चों डाक, मेल का मतलब होता है इसका डाक, और इसका मतलब होता है बच्चों पुरुष इस वाले मेल का, ठीक है ना। तो दो स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनंसिएशन सेम है, ठीक। नाइन्थ देखिए बच्चों, मेड, इसका इसको हम बोलते हैं मेड, इसको भी बोलते हैं मेड, दोनों के प्रोनंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग है। इस मेड का मतलब होता है बच्चों बनाना, अकम्प्लिश्ड, ठीक है। जैसे कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये वाली टेबल वुड से बनी है, लकड़ी से बनी है। और इस मेड का मतलब होता है बच्चों नौकरानी, जैसे जो आप क्या काम करती हो, मेड, शी इज़ आर मेड, जैसे कि ये हमारे घर पे काम करते, शी इज़ आर मेड। इस तरीके से टेंथ देखिए बच्चों, जैसे कि फ्लोर और फ्लोर, इन दोनों को हम फ्लोर बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। देखिए एफ एल डबल ओ आर का क्या मतलब होता है, फर्श, सरफेस। जैसे कि क्लीन द फ्लोर, जैसे कि मैं आपको अभी कोरोना वायरस के चक्कर में एक ताज़ी एग्जांपल देता हूँ कि बच्चों क्लीन द फ्लोर विद डिटॉल एंड वाटर, जो आपके घर का फ्लोर हो उसको अच्छी तरीके से साफ रखा करिए, किससे, डिटॉल से और वाटर से, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से फ्लोर का क्या मतलब हुआ बच्चों, फर्श, क्लीन द फ्लोर विद डिटॉल एंड वाटर। और इस फ्लोर का क्या मतलब हुआ बच्चों, आटा, व्हीट मील, ठीक है ना। जैसे कि हम बोले ही हैज़ अ फ्लोर मील, अगर हम एग्जांपल देखें तो ही हैज़ अ फ्लोर मील, उसकी आटे की चक्की है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस फ्लोर का मतलब होता है आटा, और इस फ्लोर का मतलब होता है बच्चों फर्श। तो अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि होमोफोन्स और होमोनियम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। होमोफोन्स ही होमोनियम्स होते हैं, उसका दूसरा नेम है, ठीक है। तो आप इन टेन होमोफोन्स को अपनी कॉपी में उतारेंगे, फेयर कॉपी में अपनी इंग्लिश ग्रामर की, और उसको ग्रुप पर भेजेंगे, ठीक है बच्चों। मैं आपको इसकी फ़ोटो भी खींच के भेज दूंगा। और ध्यान रखें बच्चों, ही एट टू एप्पल्स है, टेबल्स तो कोई खा नहीं सकता, एप्पल्स ही खा सकता है, तो उसको टेबल्स को काट के बच्चों एप्पल्स लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप, एप्पल्स, ओके, इस तरीके से, ओके बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।